अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है खिचड़ा रेसिपी, मटन खिचड़ा रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें मैंने 4 मीडियम साइज की प्याज ली थी। Thank you.
यहाँ पे हमारा अभी रास्ता बन के रेडी हो चुका है। तेल अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे हमारे मसाले। आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मसाला भून जाए। ये मैंने लिया है 500 ग्राम मटन। हमारा मसाला अच्छे से भून के रेडी हो चुका है। ये मैंने 750 ग्राम गेहूँ लिए थे, उसको रात में भिगो दिया, सुबह में बॉईल कर लिया और इसको ब्लेंड कर लेंगे, ब्लेंडर से पीस लेंगे। से घुट चुके हैं। 250 ग्राम मैंने मिक्स दाल ली थी, इसको भी हम घोट लेंगे। मसाला हम इसमें डाल देंगे। ये 200 ग्राम मैंने मिक्स दाल ली थी, रात में भिगो के रख दी, सुबह में बॉईल करूं।
मिक्सचर को हमने सब अच्छा से मिक्स कर दिया है। गैस की फ्लेम को करेंगे हम ऑन। ये 3 लीमू है उसका रस। इसमें जाएगा खिचड़ा मसाला आधा पैकेट। चला गया फोर्थ में। इसमें गया फुदीना लिया था मैंने। एक बंद पुदीना इसको मैं आपको निकाल के बताती हूँ। खिचड़ा बनकर रेडी हो चुका है। बनकर रेडी हमारा मटन दली रेसिपी, मटन खिचड़ा रेसिपी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह।